भरतपुर के गोपालगढ़ से अपहृत हुए दो व्यक्तियों की बोलेरो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू में मिली जली हुई हालत में, जिसमें दो शव भी जली हुई हालत में मिले। इसमें वहां पर मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से एविडेंसेस कलेक्ट करके, मौके पे मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवा करके जो एविडेंसेस इकट्ठी की गई, इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जो विक्टिम्स और जो संदिग्ध हैं जिनके नाम एफआईआर में बताए गए उनके बारे में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एकत्रित की गई, गोपनीय रूप से भी जानकारी हासिल की गई, विभिन्न टीमें स्क्रैम्बल की गई जो एफआईआर में नामजद व्यक्ति थे उनको तलाश कर उनको दस्तयाब करने के लिए। इनमें से एक टीम को एफआईआर में नामजद एक व्यक्ति रिंकू सैनी को दस्तयाब करने में सफलता मिली, जिसे पूछताछ के लिए भरतपुर लाया गया। काफ़ी डिटेल्ड इंटरोगेशन उससे किया गया, जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध थे, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारे पास उपलब्ध थी उसके आधार पर उसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इंटरोगेशन किया गया, और अब तक जो एविडेंसेस हमें मिली उसके आधार पर रिंकू सैनी का इस घटना में इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित होना पाया गया, जिसके आधार पर आज रिंकू सैनी जो फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। इसे कल कोर्ट में पेश किया जाकर इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा, जिस दौरान इससे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इस घटनाक्रम में और कौन कौन लोग संलिप्त थे और पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से चला इसके बारे में और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इससे रिमांड के दौरान की जाएगी।